डीजे लगा तो नहीं, वो नहीं लगाना, वो मत लगाओ, लगाओ ना, नहीं 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 नहीं, वो ज़्यादा खिंचाव हो जाता ना, टूट जाए। वाओ, सच में ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं Hey, welcome back to one more episode. देख रहे हैं? So, हमको क्या पकड़ा दे सब? Right now, यहाँ में 2 किलो I'm in hot spring area in अरुणाचल प्रदेश। तो बाइक वगैरह सभी यहाँ पे पार्किंग कर दिया गया है। तो ये रही हॉट स्प्रिंग जो कहा जाता है ना, यहाँ पे ये रही हॉट स्प्रिंग। आज प्लानिंग है कि यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग वाज लाइक यू नो अबेंडन था, कुछ मतलब कोई होना नहीं था, कुछ भी आओ बिंदास घूमो फिरो। फिलहाल अभी तो बहुत कुछ कर मतलब बनाया गया यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये रही हमारी मिस्टर डिर्ची, एक्चुअली ये पर पूरा रशियन है हमारा। तो पहले सभी कुछ यहाँ पे फ्री था, अभी आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। तो आपको दिखाता हूँ कितनी चार्जेस है और कौन सा एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो ये रही चामजोक निंग प्लेस का नाम, इसका तिलाम हॉट स्प्रिंग। सभी डिटेल्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एंट्री फी वगैरह सभी कुछ यहाँ पे है, बाथ टाइम वगैरह सभी डिटेल्स है। और यहाँ पे आपको ना टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट परचेस कर सकते होगे। तो दीदी अगर टेंट मतलब आप दोगे तो 700 रुपीज़ है ना, अगर यहाँ से आप टेंट लोगे तो 700 रुपीज़ है, और आप खुद अगर टेंट लेके आओगे तो 200 रुपीज़ चार्जेस है ना, बस 200 रुपीज़ चार्जेस है। तो चलिए अंदर चलते हैं। लोग बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं वहाँ पे, बास्केटबॉल नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, वॉलीबॉल। सो लोग वॉलीबॉल प्ले कर रहा है यहाँ पे, खूबसूरत पाइन ट्री, उसी साइड में शियांग रिवर। इस रिवर का नाम क्या है पता है आप लोगों को? ये हाँ ये जो रिवर है, ये रिवर हाँ ब्रह्मपुत्र है। तो असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, यहाँ पे आप यार लोहित है, नीचे जाके ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल में आप लोग लोहित बोलते हैं उसको ना। तो शियांग रिवर कौन सा किसको बोलते हैं? शियांग तो पासीघाट वाला, पासीघाट वाला शियांग है। ओके, सो इस रिवर का जो नाम है यहाँ पे लोहित रिवर बोलते हैं, जो असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। सो आपको यहाँ पे बियर वगैरह भी मिल जाएगा। आप लोग बेचते हो ना भाई लोग बियर? आप नहीं, हम लोग नहीं बेचते हैं। तो आप लोग को पीने के लिए है? अच्छा, ओके ओके, हम लोग भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है, आप लोग स्टे करोगे रात को यहाँ पे, रुकोगे आप लोग? निकलेंगे थोड़ा देर। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली मैं ब्लॉग कर रहा हूँ ना, तो डिर्ची भाई ने सामान सभी उठा लिया। एक्चुअली मेरा बैग भी उन लोगों ही उठा के लेके आ रहा है, क्योंकि मैं जैसे ब्लॉग बना पाऊँ। दे आर रियली सो स्वीट एंड हेल्पफुल गाइस। हाँ, कितनी खूबसूरत है ना। हम यहीं पे टेंट लगाने वाले हैं। चलो जो करना है करो, काम अपना अपना लगाओ। रेत रेत आज तो रेत में सोना है। ए इतना हवा हो जैसा घुमा मत रे। Two souls collided, we shared the pieces of ourselves, it's perfect timing now. We fueled the flames but we're still learning to trust. It's never enough, burning me up. Don't fight the fire, too much too fast to burn us out. We walk the wire, don't make me read your mind. I know it, learning to trust. मच्छरों ना आएंगे सर। भाई डिस्कशन ज्यादा करो, कम तो करो यार, अभी नाचना पड़ेगा यार। इतना ओ भाई सही है, जो भी हो ना अच्छा लग रहा है। तो आप भी यहाँ से हो? आप भी वालंग? आप भी वालंग से? हाँ, यहाँ का लोकल है ना। तो यार जो भी हो एंजॉय कीजिएगा, मज़ा लग रहा है। और यार यहाँ पर दो भाई बैठे हुए, आप लोग भी यहाँ से हो? नहीं नहीं, अब यहाँ से नहीं है, मतलब जस्ट आए एंजॉय करने के लिए। ओ भाई आप लोग, अच्छा भैया प्रॉब्लम तो नहीं है ना वीडियो में? ओ अच्छा, आप लोग भी यहाँ से है ना? कैसा लग रहा है जगह? जो लोगों को रिफर करता है लोग। हाँ जी, आना है यहाँ, देखना है। अच्छा आना है ना, अपना अरुणाचल भी किसी से कम नहीं है ना। ओ भाई थैंक यू सो मच यार। यार इतनी अच्छी व्यू है ना यहाँ पे कि मन ही नहीं कर रहा है कि मतलब इस नज़ारे को छोड़ कर यहीं पे जाओ। तो अभी खूबसूरत सा एकदम ब्यूटीफुल वाला सन भी निकला है। एक्चुअली ये जो सन निकला है बस उधर ही डोंग वैली है, जो इंडिया के फर्स्ट सनराइज देखने को मिलता है, यही है प्लेस। और एंटर ये प्लेस इसी एरिया में आती है। तो ये हो गया आपका जो हॉट स्प्रिंग है, यहीं पर है। और ये रहा था हमारी टेंट जहाँ पे हम लोगों ने रात को लगाया था। काफ़ी खूबसूरत सा जगह है, अंदर से पूरा मैसिफ है, एकदम रेत वगैरह अंदर ही आ गई है। और ये भाई लोग तो अभी भी सो रहा है, देखते हैं अंदर पे क्या कर रहे हैं इन लोग। बस दोनों मस्त एकदम सो रहा है। पहले तो चलिए दिखाता हूँ आज यहाँ पे जो दिन का नज़ारा कैसी होती है। कल तो मैंने शाम को ब्लॉग बनाया था, तो शाम को तो इट्स लाइक थोड़ा सा अंधेरा था, तो पता नहीं कैसा वीडियो आया होगा। बस बनाया, आपको शायद रात को समझ में नहीं आया होगा। ये लकड़ी से बनाया हुआ है ना, यहाँ का पाइन ट्री से। ये बैठने के लिए आप इसको यूज करते हैं, और इस लाइक एज ए टेबल यहाँ पे रखो कुछ भी। फुल्ली नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है ना ये। नहा लिया क्या? गरम है तो। हाँ गरम है ना, वो धुआं निकल रहा है ना उधर में। उधर में धुआं निकल रहा है ना एकदम। हाँ हाँ देख लो, ये बहुत ही हॉट पूरा गर्म पानी है। वाओ, सच में ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं टेम्परेचर को ज़्यादा देरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। थोड़ा देरी तो रख सकते हो, अगर आपका हाथ ठंड हो ना तो रख सकते हो। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर है आपके हाथों का और आप डाल दो यहाँ पे, तो आपको बहुत गर्म लगेगा। वहाँ से पानी निकलते रहता है हमेशा, 24/7 एकदम साल भर यहीं से गर्म पानी निकलते रहता है यहाँ से। यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा है, शिट बहुत एक्सट्रीम लेवल गर्म है यहाँ पे। एकदम वहाँ से निकलते हुए यहाँ तक आ रहा है। ओके आपका पूरा उधर से होते हुए निकलते, लकड़ी वगैरह बना के दिया, आप बैठ सकते हो यहाँ पे। फिर इधर से होते हुए आपका ये आगे वहाँ तक निकल जाती है। यहाँ पे टाइम अगर आपको शांत माहौल चाहिए, किसी प्रकार की आपको शहरी भागदौड़ से दूर रहना, तो आप सीधे यहाँ पे चले आओ। आपको इवन मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं मिलेगा यहाँ पे। नो इंटरनेट, नो फ़ोन कॉल्स। ऑलमोस्ट सभी प्रकार की ग्रोसरीज वगैरह मिल ही जाती है यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं आप लोग नहीं नहीं आप खाओ खा सकते हैं आप। नहीं नहीं हो जाएगा कोई नहीं आपको हो जाएगा पर आप खाइए नहीं 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 कोई बात नहीं। क्या है वो खाना बना रहा है? क्या बना रहा है आज में? क्या क्या बना रहे हो? सब्जी आलू और वो अच्छा ओ सब बना लेती हो आप? क्या नाम है आपका? वो और ये कौन है? हाँ? ये कौन है? ये मेरा दोस्त। आपका दोस्त है? दोस्त है ना। शाम में हेलीकॉप्टर उड़ाएगा मजा लगता है ना। हाँ हमने स्पेशल लेके आया था खाना बनाने के लिए तो अभी देखो बना रहा है। कल में ऐसा नहाया ना पानी में और जैकेट उकेट लेके कूद गया पानी में गर्म पानी में नहाने के चक्कर में और पूरा जैकेट भीग गया। क्या था छोटी गंगा वो गंगा बोल के ना छोटी गंगा में कूदी मार दिया। वो पे गंदा पानी है उसमें नहा कूदी मार के नहा लिया। तो गंदा नहीं क्या तो क्या बोलते उसको उसको ऊपर में काई जम गया था उसके ऊपर में। ये देखो जूता वगैरह सब भीग के हालत खराब है। तो अभी राइस बन रहा है तो हम लोगों ने कुछ लाया नहीं था कल तो अभी राइस और उसके साथ में घी और नमक मिर्ची लगा के खाना पड़ेगा कोई उपाय नहीं है। फिर बाद में जाएंगे कुछ लेके आएंगे। आज यहीं पे दिन भर रुकेंगे कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। कोका कोला पिएगा? नहीं नहीं हम नहीं पिएगा उसको पिला दो। तो हमने ब्रेकफास्ट तैयार किया है। ब्रेकफास्ट में चावल घी नमक और मिर्ची इधर ही रखा हुआ है क्योंकि हमारे पास में कुछ ऑप्शन नहीं है कुछ लाए नहीं थे। अभी जाएंगे फिर भाई भी उधर लग गया क्योंकि भूख सबको लगा हुआ है सबसे ज़्यादा तो इस प्राणी को लगा है। देखो भूख नहीं है यार बिल्कुल भूख नहीं है बेचारे को बिल्कुल भी। लेकिन सुबह 5 किलो का चावल लाया था अभी सिर्फ 1 किलो बचा हुआ है इतना खाया ना ये। तो चलिए खाते हैं जंगल में इससे खूबसूरत जगह पे ऐसा खाना खाने में मज़ा ही कुछ अलग है।